महंगाई से तंग जनूबी पंजाब के आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। नेप्रा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 4.94 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2023-24 के लिए दी गई। नेप्रा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत। मुल्तान जलालपुर पीरवाला की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी गायब। शहरी मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। रोही की खबर पर एक्शन। खानेवाल के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा फराहम कर दिया गया। कहरोड पक्का में चावल की कीमतों में इजाफा। 8,000 रुपए में मिलने वाली बोरी 600 रुपए महंगी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की ऊंची छलांग। डॉलर 4 रुपए महंगा। डॉलर 280 से बढ़कर 284 रुपए का हो गया। यूरो 9 रुपए इजाफे से 314 रुपए। बरतानवी पाउंड 11 रुपए इजाफे से 372 रुपए का हो गया। फंड्स की कमी। खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में डे केयर सेंटर की तामीर में ताखीर। 60% का मुकम्मल, बाकी 40% फंड जारी होने का मुंतजर। 40 लाख रुपए में से अभी तक 30 लाख रुपए ही जारी हो सके। शहरी ओलिया में बैगर होम बनाने का मंसूबा भी ताखिर का शिकार। कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत नजरअंदाज। ग्रीन बेल्ट की बेहतरी के लिए जारी काम नामुकम्मल। पीएचए का अमला गायब। ग्रीन बेल्ट पर गंदगी के ढेर। घास और पौधे खुश्क हो गए। शहर की खूबसूरती मांग पड़ने लगी। जनूबी पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। क्लर्क, मेडिकल स्टाफ, असासा सब सड़कों पर निकल आए। दफातर की मुसलसल तालाबंदी से सरकारी उमूर ठप। दूर दराज से आए सालीन को मुश्किलात का सामना। विफाक की तर्ज पर तनख्वाह में इजाफा। लिव इन कैशमेंट की बहाली का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। जनूबी पंजाब के दरियाओं में तुगयानी। दरिया सिंध में पिपला के इलाके कच्चा शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी और खानदान मुतासिर होने का खदशा। इलाका मकीन कीमती जमीनें दरिया बुर्द होने से परेशान। दूसरी तरफ कोटद्दू तोनसा बिराज पर पानी की आमद 2,11,000 क्यूसिक। इखराज 1,91,780 क्यूसिक रिकॉर्ड। डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 8,000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी। चुनाव में 1,25,000 क्यूसिक रैला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल। रंगपुर में दरिया से मुलहका मवाजियात में कटाव जारी। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया तैयार। डिप्टी कमिश्नर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। इंतजाम का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर 31 फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में पानी ने चकभटियां और बस्ती माड़ी साहिब का रुख कर लिया। कटाव तेजी से जारी। फसलें तबाह। सड़कें दरिया बुर्द होने लगी। बेट के रिहायशियों के जानवर सैलाबी रैलों की नजर। पाकपतन से बहने वाली घोड़ी चकभटियां पहुंच गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की बहावल नगर आमद। सतलुज के दरियाई बेल्ट का दौरा। सैलाब से मुतासा इलाके आकोका और कासिम का समेत दीगर इलाकों का मुआयना। इमदादी पोस्टों और कैंपों में मौजूद मुतासरीन के लिए इमदादी सामान और अद्वियात का भी जायजा लिया। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। जनूबी पंजाब में हेलमेट ना पहनने वालों की शामत आई। सरगोधा में एक हफ्ते में 1,008 मोटरसाइकिल बंद।
1690 चालान, 6,31,000 रुपए जुर्माना। उधर मियांवाली में कानून की खिलाफ वर्जी जारी, किसी भी सड़क पर हेलमेट पहने कोई मोटरसाइकिल सवार नजर नहीं आता। कोटचूटा में बगैर हेलमेट की मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की फराहमी जारी। शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने का मिशन। रहीमिया खान में गैस सिलेंडर्स की हामिल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, 15 मुसाफिर गाड़ियों से सिलेंडर्स उतरवा दिए, 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर मुल्तान में खस्ता हाल इमारतों में कायम थिएटर्स के गिर्द घेरा तंग, बिल्डिंग इंस्पेक्शंस और सिक्योरिटी खदिशात के पेश नजर एसी हेडक्वार्टर आफ्ताब डोगर मुतहरिक, बाबर, रेक्स और स्टारलाइट थिएटर को एनओसी मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। भक्कर में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शफीक चांडिया की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, सराय महाजर जहान खान में गैस रिफिलिंग करने और गैर कानूनी पेट्रोल डीजल फरोख्त करने वालों को जुर्माना, मुतादिद को हिदायत और वार्निंग नोटिस भी जारी किए। कम लागत और माहौल दोस्त बिजली का विजन। मियांवाली में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 का संगे बुनियाद रखा। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन अली रजा अनवर, चेयरमैन चाइना न्यूक्लियर कमीशन, चीनी वक्त के सरबरा समेत अहम शख्सियात और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मियांवाली में खिताब, कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की अफवाहें फैलाई गई, चश्मा 5 न्यूक्लियर मंसूबा संगे मील है, ऐसे मंसूबे अफवाहें फैलाने वालों के लिए मौसर जवाब है, अजीम दोस्त के मुश्किल वक्त में तावुन को कभी नहीं भूलेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट ने रोजगार के मौके पैदा किए। चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट पैदावार के लिहाज से बड़े मंसूबों में शामिल है। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन अली रजा अनवर का इफ्तिताही तकरीर से खिताब, चेयरमैन चाइना न्यूक्लियर कमीशन ने वजीर आजम और पाकिस्तानी आवाम को मंसूबे पर मुबारकबाद दी। बहावलपुर में ट्रैफिक पुलिस का एहसन इकदाम। शहरियों के लिए अच्छी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस का मुफ्त इजरा, मुहिम का आगाज। ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए पुलिस खिदमत मरकज भेजा जाने लगा। उधर जलालपुर पीरवाला में भी ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल की सहूलत फराहम कर दी गई। शहरियों के मुताबिक कोटद्दू से लाइसेंस इजरा की सहूलत खत्म कर दी गई। अलीपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकार। जिला मुजफ्फरगढ़ के सदर मलिक मजहर पढ़ोर की खसूसी शिरकत। कन्वेंशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा अहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक। जिले सदर का कहना था तहसील भर में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी की जाए। मुहर्रमुल हराम की आमद, कयाम अम के लिए इंतजाम। जनूबी पंजाब भर में अमली इकदाम जारी, बैनुल मजाहिब अम आहंगी के लिए इजलास और मीटिंग। अम कमेटियां और इंतजामी अफसर एक पेज पर, जलूसों के रूट की सफाई और पिच वर्क जारी। किसी भी नाखुशगवार वाकये की रोकथाम के लिए प्लान्स तरतीब दिए जाने लगे। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का काफिला डीजी खान पहुंच गया। मुहर्रम में कयाम अम के लिए उलमा कराम का तआवुन वक्त का तकाजा है। इश्तेआल अंगेज तकारीर और किसी के दिल आजारी से गुरेज किया जाए, चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती अब्दुल खबीर आजाद की गुफ्तगु।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा दानिश मलिक अब्दुल हबीब भट्टा का इंतकाल। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलूगर रहमान का इजहार ताजियत। कहा, मरहूम बहावलपुर की मारूफ अदबी सियासी और समाजी शख्सियत थे। मलिक हबीबुल्ला की खिदमात याद देर रखी जाएंगी। किसान सहूलत सेंटर्स को फहाल रखा जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मौकमी जलूसों के रूट्स का रोजाना दौरा करें। शाहराहों की सफाई पानी का छिड़काव यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान के इजलास में अहकाम। काश्तकारों को कपास का बेहतर मुआवजा फराहम करने के लिए खसूसी काविशों का आगाज। हुकूमत कपास की 8500 रुपए फीमन खरीदारी के लिए इकदाम कर रही है। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार सहू की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। मुल्तान डिवीजन के एग्रीकल्चर अफसरान को जनिंग फैक्ट्रियों की मॉनिटरिंग का हुक्म। अड़तालीस लाख एकड़ पर कपास की काश बड़ा चैलेंज है। किसी भी फसल के लिए माहौल दोस्त जमीन बनाना लाजिम। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील का मुल्तान में तरबियती वर्कशॉप से खिताब। कहा, मियारी कपास के हुसूल के लिए पौधों की हिफाजत नागुजीर है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब कैसर सलीम का दौरा मुजफ्फरगढ़। पीएचए के जीरे निगरानी 13 वाटर सप्लाई स्कीमों का मुआयना। सेक्रेटरी हाउसिंग की गुफ्तगू। कहा, तैयब उर्दगान वाटर ट्रीटमेंट स्कीम पर 80% काम मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत पंजाब सेहत के हवाले से बेहतर इकदाम कर रही है। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर का दौरा। इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। एमएस डॉक्टर नजीब आलम ने सेक्रेटरी हेल्थ को ब्रीफ किया। कागज पेंसिल का जमाना अब हुआ पुराना। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान में पेपरलेस सिस्टम का मॉडल लॉन्च। तमाम शोबों में जदीद ई फाइलिंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के जेर एहतमाम अफसरों की ट्रेनिंग का आगाज। रेंजर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में वर्कशॉप। शेख सैद अस्पताल रहीम या खान के डॉक्टर्स की शिरकत। 225 तलबा को सेहत और सफाई से मुतलिक आगाही दी गई। आलमी हफ्ता आबादी के हवाले से राजनपुर में तकरीब। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली आतिफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शुरका को आबादी कंट्रोल करने के हवाले से आगाही दी गई। खसूसी बच्चों को कारामद शहरी बनाने के लिए इकदाम। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सरदार कोड़े खान स्कूल पहुंच गए। ऑटिज्म सेंटर का इफ्तिताह। तजीनो आराइश के लिए 50 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। और कवायद की दुरुस्तगी, मुंतकली वोट की तारीख में तोसी। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी तारीख 20 जुलाई कर दी। वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर सेंड करके तफसीलात हासिल की जा सकती हैं।